तो ये पहले एक घर में बर्तन ऐसे निकालते हैं, ये देखे कैसे सामान जोड़ा जाता है। तो देखा कल हमने कैसे रात को मजा किया था, ढोलकी बजाई थी, सारा सामान आपको दिखाया था। ओ जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जी फ्रेंड्स, देखा आज हम आए हुए थे चक छत्तर समोरा वाली सर गोदा। तो जी फ्रेंड्स, इधर मेरे कजन्स की शादी है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि गांव में असली पिंडा स्टाइल से शादी कैसी होती है। जी फ्रेंड्स, तो बस अभी लेके चलते हैं उधर, आपको पहले दिखाएंगे आपको सारा सामान। तो देखते हैं गांव में कैसे सामान सेट किया जाता है। तो हम ऐसी मुनफरिद शादी पहली दफा एंजॉय करने आए हुए हैं सर गोदा में। तो जी फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं उधर घर में और दिखाते हैं आपको कि कैसे सामान सेट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जी गाइस, ये देखें, ये देखें गांव में कैसे सामान जोड़ते हैं। ये देखें चारपाइयाँ जोड़ी हुई हैं, ये साथ अवन पड़ा हुआ है मशीन। तो ये पहले एक घर में बर्तन ऐसे निकालते हैं, ये देखें कैसे सामान जोड़ा जाता है। ये देखें फ्रेंड्स, ऊपर कपड़े खड़े कर दिए हैं तारों पर दिखाने के लिए। ये देखें पेटियाँ, ये देखें गाँव में कितना ज़्यादा सामान दिया जाता है, सामने बर्तन जोड़े जाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगता है। तो मैं पहली दफ़े इधर आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखें सुकेश में जोड़ के रखते हैं सामान, तो दोबारा ऐसे ही रखते हैं। तो ये देखें, ये मेरे कज़न का ये वरी है, ये कज़न का फर्नीचर और वरी उसकी है। और ये जो सामान है ये उसकी बहन का है, ये दूसरे घर में जाएगा। वो देखें, इन्होंने डाइनिंग टेबल भी बनवाया है इतना प्यारा सा। ये देखें मेरे कज़न के कपड़े वरी शरी, और ये बहुत अच्छा जो गांव का रिवाज है। तो मैं इधर आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके। तो ये मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ सामान, मैंने पहली दफ़ा भी खुद ऐसे देखा है। तो बस जिसने नहीं देखा या देख लिया है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कौन कौन ये पहले भी देख चुका है ऐसा सामान गाँव में। तो गाँव की शादी हम इंजॉय करने आए थे, इतना प्यारा लगा मुझे इधर आके, तो बहुत मज़ा आया मुझे। तो तो जी गाइस, देखा आपने कैसे हो रही है पिंड में शादी गांव में। तो बहुत मज़ा आ रहा है, हमें सामान देखा आपने इतना मज़े का था। मेरे कज़न और उसकी बहन की दो की शादी हो रही है, तो मैंने आपको अपने कज़न की वरी दिखाई और साथ बहन का उसकी सामान दिखाया। तो कैसा लगा आपको? तो बस अभी जुम्मा भी है, जुम्मा भी पढ़ेंगे। तो ये मेरे साथ फातिमा नूर है। तो जी फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम बस कपड़े बदलते हैं, अजान होगी है, तो बस चलते हैं जुमा पढ़ने। ये साथ ही मस्जिद है, वो आपको सामने मीनार नज़र आ रहे होंगे, तो बस उधर ही चलते हैं, मस्जिद है। तो फिर मिलते हैं। तो जी गाइस, अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने, ये साथ अबू भी हैं मेरे। तो बस हम, ये सामने मस्जिद है, तो बस आ गए हैं, तो बस जुमा पढ़ लें फिर। तो जी गाइस, अभी हम उधर से आ रहे थे, बारिश हुई है। तो ये उनका मुदस्सर लोग का जिन शादी पे हम आए हैं उनकी डेरा है। तो ये देखें, ये देखें डेरा फैंस, और ये छोटा। और ये साथ डंकी राजा भी खड़े हुए हैं। तो जी फ्रेंड्स, बस हम जा रहे हैं अब कार की तरफ। उधर आए हुए थे लड़की वाले के घर सामान देखने। तो गांव का बहुत अलग रिवाज होता है, हमने तो आज पहली दफ़ा देखा है, तो अच्छा लगे हमें। जी गाइस, ये देखें कमरे की लोग। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये आज अभी कल मेहंदी होनी है, तो अभी तक ये सजा नहीं है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये बेड लग गया है, ये साथ अलमारी, और ये शीशा, और शीशे में मैं। तो जी फ्रेंड्स, तो देखा आपने, तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? तो फ्रेंड्स, ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। The next day. तो जी गाइस, ये है नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग हो गया। तो जी फ्रेंड्स, तो देखा कल हमने कैसे रात को मज़ा किया था, ढोलकी बजाई थी, सारा सामान आपको दिखाया था। तो जैसे हो रही है गांव की शादी, तो बहुत मज़ा आ रहा है इधर। तो आज मेहंदी का दिन होगा, तो उसका व्लॉग मैं आपको
इसके बाद शेयर करूँगा। तो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो आज मेहंदी का फंक्शन है, वो भी सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इस व्लॉग से इधर ही अल्लाह हाफिज़। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरे व्लॉग देखते रहना है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इस व्लॉग से अल्लाह हाफिज़।